हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम SBI का वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं या फिर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंटली ये डेबिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। वैसे आजकल SBI के वर्चुअल डेबिट कार्ड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं, क्योंकि ये जो डेबिट कार्ड होता है ये आपको फ्री में मिलता है। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि कैसे हम SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्चुअल डेबिट कार्ड को ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं SBI की मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी कि योनो SBI ऐप से। तो आइए सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो SBI का वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा योनो SBI ऐप, मतलब कि SBI की मोबाइल बैंकिंग में। तो आइए लॉगिन करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है योनो SBI ऐप में। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम वर्चुअल डेबिट कार्ड SBI का बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको टैप करना होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको माय डेबिट कार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस पर आपको टैप करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन माय डेबिट कार्ड्स का है, तो इस पर आपको इस तरह से टैप कर लेना है। और ये देखिए, इस टाइम पे कोई भी कार्ड हमारे पास नहीं है, तो दिखा रहा है कि कोई भी डेबिट कार्ड नहीं है आपका लिंक्ड, क्योंकि जो भी डेबिट कार्ड था वो ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे आपको नीचे रिक्वेस्ट ए न्यू कार्ड का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको टैप कर लेना होता है। और ये देखिए, आपको वर्चुअल का ऑप्शन मिल रहा है, वर्चुअल के बगल में ही आपको साइड में फिजिकल कार्ड का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आपको वर्चुअल कार्ड चाहिए है तो आप वर्चुअल कार्ड इजीली अपना जनरेट करा सकते हैं इसी ऐप के ज़रिए से। तो आपको बस वर्चुअल वाले ऑप्शन पर इसको रहने देना है अगर आपको वर्चुअल कार्ड चाहिए तो। और उसके बाद आपको अपना कार्ड सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रुपे ग्लोबल कार्ड है, वीज़ा ग्लोबल है, मास्टर ग्लोबल है। तो ये तीन डेबिट कार्ड्स जो है वर्चुअल फॉर्म में आते हैं अभी के टाइम में SBI की तरफ से। तो इनमें से जो भी आपको डेबिट कार्ड चाहिए है वो बस आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, अग्री कर लेना है यहाँ पे इसको चेक करके। तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना होता है। तो एक OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होता है। तो ये हमने OTP इंटर कर लिया, अब सबमिट पर हमें टैप कर देना होता है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा वर्चुअल कार्ड इशू कर दिया गया है सक्सेसफुली, और हमें वर्चुअल कार्ड नंबर भी मिल गया है। अब आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, और नीचे आपको एक्टिवेट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, तो एक्टिवेट भी करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्ड इशू करा लिया काफ़ी है, एक्टिवेट नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो आइए हम एक्टिवेट करते हैं इसको। तो एक्टिवेट कार्ड वाले ऑप्शन पर हमें टैप करना होता है इस तरह से, और ये देख लीजिए हमारा कार्ड भी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है, और इसका एक ईमेल भी आ जाता है, SMS भी आ जाता है। तो इस तरह से आप SBI का वर्चुअल डेबिट कार्ड खुद से जनरेट कर सकते हैं या फिर आप कहिए कि इशू करा सकते हैं योनो SBI ऐप के ज़रिए। अब आइए अब चलते हैं हम सीधा होम पेज पे और आपको दिखाते हैं। अब दोबारा से हम कार्ड्स वाले ऑप्शन में आते हैं, और फिर से हम आते हैं माय डेबिट कार्ड्स वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड देखने को मिल रहा होगा, और अगर आपको CVV देखना हो तो यहाँ पर आपको CVV का ऑप्शन मिल रहा है। ब्लॉक करना हो कार्ड तो यहाँ पर आपको उसका ऑप्शन मिल रहा है। इसकी लिमिट को मैनेज करना हो तो यहाँ पे आपको उसके लिए ऑप्शन मिल रहा है। और कार्ड हमारा एक्टिवेट, हमने पहले ही एक्टिवेट कर लिया है। तो इस तरह से हम योनो SBI ऐप के ज़रिए से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि SBI की मोबाइल बैंकिंग से SBI का वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस। बहुत ही आसानी से आप योनो SBI ऐप के ज़रिए SBI का वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं, वो भी आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।